नमस्कार दोस्तों, उदयपुर की घटना की मंशा केवल कन्हैयालाल की हत्या करना नहीं था। इस घटना को अंजाम देने वाले कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनका असली मकसद कुछ बड़ा करना था। अब बड़ा करने की डेफिनेशन उनके आकाओं के दिमाग में क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उनका सार यही है कि उदयपुर के आरोपियों की कुंडली में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। उदयपुर के दोनों आरोपियों ने जिन आकाओं, जिन मास्टरमाइंड्स के इशारे पे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उसके सुराग, उसके क्लू अब मिलने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इस पूरी वारदात में पड़ोसी देश पाकिस्तान का कनेक्शन का सिरा भी मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उदयपुर के हत्यारों का अब टेरर लिंक भी सामने निकल के आता नजर आ रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों को अभी तक केवल एक मजहबी जुनून माना जा रहा था, वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। ये बात जो भी अब तक जांच हुई है उसका सार ये है, उसका निचोड़ ये है। उदयपुर में दर्जी की हत्या के मामले की जांच में जुटी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने अब अपनी तरतीब का दायरा हिंदुस्तान की हदों से कहना चाहिए कि बाहर निकल के दूसरे देशों तक पहुंचा दिया है। असल में इस हत्याकांड में शामिल आरोपी रियाज अत्तार और गौस मोहम्मद की कुंडली खंगालते खंगालते NIA के हाथ कुछ ऐसे नंबर्स लगे हैं, टेलीफोन नंबर्स लगे हैं, जिससे ये लगता है कि इस पूरे कांड में पाकिस्तान का भी हाथ है। क्योंकि जो नंबर केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उनकी लोकेशन भारत से लेकर के पाकिस्तान तक मिल रही है। और जांच एजेंसी के कान तब और भी खड़े हो गए, जांच एजेंसी तब और भी एक्टिव हो जाती है जब उन्हें इन नंबरों पर रियाज और गौस मोहम्मद के मोबाइल के निशान मिले। NIA की अब तक की जांच में जो कुछ भी सामने आया है वो अभी तक बहुत शुरुआती दौर है दोस्तों। बहुत कुछ इसमें निकलेगा, बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन एक रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान से। क्योंकि खुफिया तंत्र को ये भनक लग चुकी है कि रियाज और गौस की उन नंबरों पे अक्सर बात होती रहती थी जिनकी लोकेशन पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। और जो अंदरूनी सूत्र हैं उनके हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि रियाज और गौस पाकिस्तान समेत विदेशी धरती से जुड़े उन सभी नंबरों का उदयपुर में बैठ करके प्रयोग करते थे, उनका लगातार संपर्क बना हुआ था। और उनका अब जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि उन्हें केवल दर्जी की हत्या ही नहीं करनी थी, कुछ बड़ा भी करना था। क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान में जाकर के करीब 2.5 महीने की ट्रेनिंग ली है और 2014 और 15 में ये दोनों नेपाल के रास्ते पाकिस्तान गए। सीधे रास्ते से भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने नेपाल का रास्ता चुना और वहाँ इन लोगों ने कई लोगों से मुलाकात भी की। और पुलिस के रिकॉर्ड में ये भी बात आ चुकी है कि दोनों को पहले भी कई बार लोगों को भड़काने के इल्जाम में हिरासत में लिया जा चुका है। ये एक नई बात है, ये आदतन लोगों को भड़काते थे। लिहाजा जब उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल का तालिबान स्टाइल में मर्डर होता है, उसकी हत्या होती है, उससे खुफिया एजेंसी अलर्ट हो जाती है। उसको ये बात पता चल जाती है कि ये जो तरीका है जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है वो एक नफरत फैलाने वाला तरीका है। ये काम दोनों ने कराची से हिंदुस्तान लौटने के बाद शुरू किया था। ये बात गिरफ्तार होने के बाद खुद रियाज ने कबूल की और वो और गौस दोनों ही पाकिस्तान संगठन दावत-ए-इस्लामी से जुड़े हुए हैं। हालांकि
इस संगठन का ये कहना है कि उनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने ऑनलाइन कोर्स किया था। इसी बीच एक खबर राजसमंद पुलिस को भी दी है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ में 3 और लोगों के नाम सामने आए हैं, आरोपियों की, जिन्होंने मदद की है। पुलिस उन 3 लोगों को भी हिरासत में ले चुकी है, जबकि इनके दूसरे और कई सहयोगियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पूछताछ जो है उसका सिलसिला जारी है। NIA फिलहाल इन दोनों लोगों के अंदर, उनके दिल के अंदर क्या राज छिपे हुए हैं उनको खंगाल रही है, निकाल रही है। और साथ के साथ कन्हैया लाल के घर वालों से भी कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ताकि हत्याकांड की जो सच्चाई है वो ठीक से सामने आ सके और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का रुख दूसरी तरफ किया जाए। तो दोस्तों देखिए, एक शुरुआत में 2 दिन तक तो इस घटना का पता ही नहीं चला था, और फिर जब पता चलता है तो एक उन्मादी हिंसा की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। और जब फिर ये पता चलता है कि ये कुछ और ही अपने दिमाग में रखे हुए हैं, जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझा गया, उसे खंगाला गया, उनकी कुंडलियों को टटोला गया, तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आई। फिलहाल इतना ही दोस्तों आज के लिए, और फिर मिलूंगी आपसे कोई और नया कंटेंट लेकर के और कई और खबरों के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।